रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो, जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छतरपुर एमपी से। सर, आपका सवाल? मैं दर्द रहता है, मैं करीब कब से दर्द है? 1 साल से, चार आपकी उम्र कितनी है? साल। ठीक है। अब ये बताइए कि ये दर्द हमेशा रहता है, कभी-कभी होता है? आपको सर, दर्द हमेशा रहता है या कभी कभी होता, कभी हो गया कभी नहीं हुआ? ठीक। नहीं, कभी कभी रहता है। अच्छा, देखिए, ये दर्द बहुत आम हो गया कि हमें सर में दर्द रहने लगा, और परेशानी ये हो गई कि उसमें इतने टेस्ट करा देते, कभी आँखों का करा देते, कभी दिमाग का करा देते, लेकिन ये टेस्ट नहीं कराते। यहाँ जो गर्दन का एक्सरे या सोनोग्राफी कराएं या MRI कराएं, तो इसमें पता चलता है कि हमारी गर्दन में कुछ नसें दब गई हैं, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। तो इसे सर्वाइकल कहते हैं आमतौर पर, और अगर कभी किसी को हो गया कभी नहीं हुआ तो ये सर्वाइकल ही है। मैं खुद इस मरज़ में मुब्तला रहा और पता ही नहीं चलता था क्यों होता है। फिर जब से काफ़ी दिन हो गए, 30-35 साल, फिर मुझे पता चला कि ये तो सर्वाइकल है। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज करें, ऐसे सीधा बैठें और ये कान देखिए ऐसे मिलाया करें मोढ़े से। ये एक्सरसाइज आपको 3 मिनट करनी है, और एक ये देखिए ऐसे, ये ठोड़ी देखिए यहाँ तक आ जाती है, मोढ़े तक मेरी तो आ जाती है। ये एक्सरसाइज आपको 3 मिनट करनी है, और एक दूसरी भी ये बताइए, वो भी 3 मिनट करें। दवा की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक्सरसाइज 3-3 मिनट रोज़ कर लिया करें। ठीक 10वें दिन आपका ये दर्द कहाँ गया आप ढूंढते रहेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन। शैलजा मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। मैम, मेरा नाम शैलजा मिश्रा है। जी मेरी एज 76 है, 77 है, तो जी सॉरी 37 है, 37। जी मैम, मुझको कमर में बहुत स्ट्रेस रहता है और झुकने उकने में पेन होता है। मैं पर खड़ी नहीं हो पाती हूँ, वो पैर से अगर खड़ी होती हूँ तो पंजे दर्द करते हैं। आपने कोई नुस्खा लिया? शैलजा जी, आप हमारी एंकर की हम नाम है, कोई नुस्खा मेरा बताया हुआ अभी तक लिया या नहीं? हेलो हेलो, शैलजा, आपने हमारा कोई नुस्खा लिया? मैम आपको हकीम साहब की आवाज मिल रही है? मैं आपके यहाँ से मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया है। मुझको रोमाटिक आर्थराइटिस था, मैंने हाँ हाँ आपके यहाँ से टीकेयर 9 महीने खाया ठीक और है मेरा रोमाटिक आर्थराइटिस ठीक हो गया है। माशाल्लाह, बहुत बहुत जी, मुबारक। और लेकिन अभी ये नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो मुझे बताइए मुझे क्या करना है। बस करना जी क्या है, एक तो वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करना है, कुर्सी वाले शौचालय का, वो आपके घर में ज़रूर होगा ऐसा मैं महसूस करता हूँ, नहीं है तो लगवा लें। और वज़न नहीं उठाना, झाड़ू पोंछा बिल्कुल नहीं करना 3-4 महीने तक। और गोंद स्याह असली, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करें, आपको ये रोग भी ठीक होना मुमकिन है।